तो आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ। आप सभी ने दूध की पनीर तो बहुत खाई होंगी और सोयाबीन की भी खाई होंगी, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने पत्ता गोभी की पनीर लेके आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, पत्ता गोभी की पनीर? जी हाँ दोस्ती, बहुत ही बढ़िया बनती है और इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो उससे पहले, अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पत्ता गोभी की पनीर कैसे बनाई है हमने। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पत्ता गोभी ले लिया है और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसको हम नाइफ़ की सहायता से कट कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे कट कर लेना है हमें पत्ता गोभी को। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके रेडी होती है। बोर हो चुके हैं हम डेली रोज़ की सब्जी खा खा के। कुछ नया हो जाए, कुछ नई सब्जी हो जाए, तो ऐसे मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी के सामने आज पत्ता गोभी की पनीर बनाई जाए। तो यहाँ पे पत्ता गोभी कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने रख दिया है और जो ये पत्ता गोभी है उसको हम रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे पत्ता गोभी को हम बॉईल होने देते हैं और इसको पलट लेंगे। बीच बीच में पलट भी देंगे पत्ता गोभी को। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे हम पलट देते हैं, दूसरी भी हम ऐसे पलट देते हैं और इसको अब हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए पत्ता गोभी को ढक के। अब देखिए, पत्ता गोभी हमारी अच्छे से पक चुकी है। आपको भी दिख रहा होगा कि ये पत्ता गोभी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो गैस को अब हम कर देंगे ऑफ और इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। एक प्लेट में निकालने के बाद इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इससे हमारी जो ये रेसिपी बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, उसके लिए हमें ये अच्छे से ठंडा कर लेना है, गर्म नहीं रहना है बिल्कुल भी। तो इसको पैन में से हम निकाल लेते हैं पानी में से और इसको अब हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ठंडा हो चुकी है पत्ता गोभी। अब नाइफ़ की सहायता से हम ऐसे कट कर लेंगे पत्ता गोभी को और ऐसे हम इसके ये जो ये सारे परते हैं उनको हम ऐसे निकाल लेंगे। तो चलिए इनको काट लेते हैं। तो ये देखिए, पत्ता गोभी को मैंने कट कर लिया है और अब क्या करेंगे, इसको ठंडा तो कर ही लिया है हमने, अब लेंगे हम मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर लेने के बाद हम इसको जो पत्ता गोभी है उसको इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा ऐसे ही ढक्कन लगा के चलाएँगे और फिर चलाने के बाद ये थोड़ी बैठ जाएगी। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच मिलाई की। तो यहाँ 2 चम्मच मिलाई की डाल रहे हैं हम और फिर इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ मैं दूध ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने दूध ऐड कर दिया है और ढक्कन लगा के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया रफली ग्राइंड हो चुका है हमारा पत्ता गोभी, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारा पेस्ट होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जो ये पत्ते गोभी की ये डंडी होंगी उनको हमें इसमें नहीं डालना है, उसको हमें हटा देना है और सिर्फ पत्ता पत्ते ही हमें इसमें लेना है। और फिर इसमें हम बाउल ले लेंगे, बाउल में हम अपना पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ नमक डालेंगे हम। नमक डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को पहले तो हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए अपने डालेंगे बेसन। बेसन सभी के घर पे रहता ही है तो इसको हम बेसन डाल रहे हैं। बेसन से क्या होगा, जो हमारी बाइंडिंग आएगी इसमें बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो बेसन डालने के बाद हम इसको बढ़िया सा चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे बेसन में इसमें। उसको डालने के बाद हमारा पेस्ट कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से पेस्ट होना चाहिए हमारा, ये देखिए ऐसा। अब हम लेंगे एक थाली, उसमें तेल डाल के थाली को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और फिर जो हमने पेस्ट बनाया था अपना पत्ता गोभी का, उसको इसमें रख देंगे, डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे मैं हाथ में ऑयल लगा लिया थोड़ा सा और हाथ से मैं ऐसे फैला दूंगी इसको ऐसे। और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने रख ही दिया था। पानी बहुत बढ़िया गर्म हो गया है। अब इसमें मैं जो थाली रखी थी इस पर रख दूंगी ऐसे और इसको हम ढक देंगे। तो लगभग इसको अच्छे से पक जाने देंगे, उसके बाद ही हम चेक करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा पका होना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको खोलते हैं, अब ये पका है कि नहीं चेक करते हैं।
तो नाइफ की सहायता से हम इसको चेक करेंगे कि ये देखिए नाइफ में अगर ये चिपकाएगा तो ये पका नहीं है, और ये देखिए क्लीन आ रहा है तो ये पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे ये अब हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखिए ऐसे। अब इसको हम नाइफ की सहायता से कट कर लेते हैं अपने पनीर के पीसेस को। तो धीरे धीरे हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको खाली इसकी पनीर बनाना दिखाई है। आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी सब्जी भी बनाना दिखाऊंगी, कल मैं इसकी सब्जी भी लेके आऊंगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता इसलिए मैंने इस वीडियो में इसकी सब्जी लेके नहीं आई हूँ। अब इसके पीसेस करके भी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये ठंडा हो जाएगा तो ये इसके पीसेस कुछ इस तरीके से निकल जाएंगे, देखिए। तो बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनके, ये पनीर बनके रेडी हो गई है, पत्ते गोभी की पनीर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हुई है। तो आप भी अपने घर पे पत्ता गोभी की पनीर बना के ज़रूर देखिएगा। अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरी ये पनीर की रेसिपी कैसी लगी है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।